Good morning all of you. This is Aruna Bhargavatiya and today we are start third chapter. The name is fiber to fabric. Okay, what is fiber and what is fabric? तो मैं आपको थोड़ा सा explain कर देती हूँ कि we wear clothes every day. बेसिक नीड एक्चुअली हमारी जो बेसिक नीड होती है वो क्लॉथ होती है, रोटी कपड़ा मकान जिसको हम बोलते हैं, उसमें से कपड़ा भी हमारी एक बेसिक नीड है. तो हम ये जो फैब्रिक पहनते हैं वो हम डिफरेंट टाइप्स के पहनते हैं. आप सभी को पता है कि आप सभी जो होते हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग ही क्लॉथ्स वियर करते हैं. तो ये जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं एक्चुअली इनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है या ये मैन्युफैक्चरर्स कैसे होते हैं, बेसिकली ये किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, वही आज हमको इस चैप्टर में रीड करना है और लर्न करना है. तो हम देखते हैं व्हाट इज़ फाइबर टू फैब्रिक. वी नो दैट फाइबर्स आर लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर यूज टू मेक फैब्रिक्स. आपने ये सिक्स्थ की क्लास में भी पढ़ा था फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें आपने इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं एंड मैन मेड या फिर सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं. तो फाइबर्स का मीनिंग क्या होता है पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि हमारे जो क्लोथ्स होते हैं, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स हम वियर करते हैं, तो ये जो क्लोथ्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं जिसको कि हम फाइबर बोलते हैं. ठीक है, फाइबर्स बोलते हैं. तो जो फाइबर्स होते हैं वो क्या है, लॉन्ग मतलब इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसका यूज़ होता है क्लोथ्स क्लॉथिंग मटेरियल्स की मेकिंग में, मतलब कि इनका यूज़ किस में करते हैं, कपड़े बनाने में. तो टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स का हम यूज़ करते हैं जिसको हम नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं. तो नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं हमको प्लांट्स एंड एनिमल्स से. प्लांट से कौन से मिलते हैं, जैसे जूट एंड कॉटन. एंड एनिमल से क्या मिलते हैं हमको, वूलन मिलता है, सिल्क मिलता है. सेम एज अगर हम देखें कि कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं या ह्यूमंस के थ्रू केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर. फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइलोन, टेरिलीन, टेरिकॉट, रेयन एक्सेट्रा. ये सब क्या होते हैं, ये सब जो होते हैं मेन मेड मतलब कि हमारे द्वारा बनाए गए एक तरह से फैब्रिक्स या फाइबर होते हैं. तो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव रीड हाउ कॉटन एंड जूट फाइबर्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स. हम ये पढ़ चुके हैं सिक्स्थ में कि हम जूट एंड कॉटन फाइबर्स को कैसे लेते हैं, उसकी पूरी प्रोसीजर आपने पढ़ी है कि कॉटन प्लांट्स को हम कल्टीवेट कैसे करते हैं, देन कॉटन प्लांट से हम कॉटन को लेकर उसके फाइबर्स में कन्वर्ट करना और उससे क्लॉथ्स मेकिंग तक की प्रोसेस आपने पढ़ी है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ फाइबर्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स. तो इस चैप्टर में इस क्लास में आपको क्या पढ़ना है कि हम एनिमल्स से फाइबर्स को कैसे लेते हैं. प्लांट्स फाइबर्स तो आप पढ़ चुके हैं, मतलब आप नेचुरल फाइबर्स की ऑप्टेंट जो प्रोसेस है उसको आप पढ़ लिए हैं या पढ़ चुके हैं, बट आपको इस क्लास में एनिमल फाइबर्स को पढ़ना है या एनिमल्स से जो हम फाइबर्स लेते हैं जिनसे क्लॉथ्स बनते हैं उनको पढ़ना है. मतलब आपको एक तरह से एनिमल्स रिलेटेड एनिमल रिलेटेड चीज़ें इसमें पढ़ना है. तो हम पढ़ते हैं एनिमल फाइबर्स. वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स. वूल और सिल्क क्या है, एनिमल फाइबर्स है, ये आपने पहले भी पढ़ा है. दे आर मेडअप ऑफ प्रोटीन्स और ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन से. इसलिए इनकी बाइंडिंग्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है. वी गेट वूल फ्रॉम फर, हेयर ऑफ शीप, गोट, याक, रैबिट, कैमल, लामा एंड अल्पाका. तो एक तरह से देखा जाए तो जो हमें जो वूल मिलता है वो वूल किन एनिमल से मिलता है, जैसे शिप का तो आपको पता ही है कि मोस्ट ऑफ जो वूल होता है वो कहाँ से हमको मिलता है, शिप से. गोट से भी मिलता है, गोट के जो फर होते हैं उसका यूज़ किया जाता है. वैसे ही याक आपने सभी ने देखी है जो कोल्ड एरियाज़ में रहती है, उनसे भी क्या मिलते हैं, फर मिलते हैं. सेम इज़ रैबिट, रैबिट के फर बहुत सॉफ्ट होते हैं जिसका यूज़ होता है वूलन क्लॉथ्स बनाने में.
देन कैमल, कैमल के भी फर लेंथ उनकी अच्छी होती है। लामा आपने देखा होगा, मैं डायग्राम में आपको बताऊंगी, और अल्पाका। तो ये है देखिए, लामा, अल्पाका और याक एंड अंगोरा गोट, ये सब जो होते हैं इनके फर का यूज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो विंटर सीज़न में जो क्लोथ्स वियर किए जाते हैं उनके लिए इसका यूज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं और एयर को पास नहीं होने देते हैं, जिसके कारण की ठंड नहीं लगती है। तो ये एनिमल्स आपने देख लिए हैं। द बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज़ कवर्ड बाय अ थिक कोट ऑफ हेयर कॉल्ड फ्लीस। तो जितने भी एनिमल्स आपने देखे हैं जिसमें लामा है, याक है, अंगोरा गोट है, इन सब की जो स्किन होती है वो कवर होती है हेयर्स से, इस हेयर को फ्लीस बोलते हैं। तो द फ्लीस इज फॉर्म्ड बाय टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स ऑफ द हेयरी स्किन ऑफ शीप विच आर सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन एंड कोर्स बोर्ड बियर्ड हेयर्स। तो अगर हम देखें तो जो शीप होती है तो शीप में भी टू टाइप्स ऑफ हेयर्स होते हैं या फाइबर्स होते हैं, तो जिसको हम सॉफ्ट बोलते हैं, देन कोर्स बोर्ड हेयर्स, बियर्ड हेयर्स होते हैं। द फाइन हेयर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वूल। तो जो फाइन हेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो बारीक होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो होते हैं, उसी का यूज़ किया जाता है वूल बनाने के लिए या ऊन बनाने के लिए। तो सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म। और वैसे ही सिल्क भी होता है टू टाइप्स ऑफ, एक तरह से हम देखते हैं एनिमल्स जो फाइबर का यूज़ करते हैं जिसमें से वूल होता है, देन सेकंड सिल्क होता है। तो सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क मिलता है हमको सिल्क वर्म से, क्योंकि सिल्क वर्म क्या करते हैं, उसमें जो कोकून्स बनते हैं उस कोकून में क्या होते हैं, थ्रेड होता है, जिसको कि हम सिल्क बोलते हैं। अब वूल के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, वूल इज़ प्रेजेंट एज अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑफ द बॉडी ऑफ द वूल यील्डिंग एनिमल्स। तो वूल यील्डिंग एनिमल्स कौन से हो गए, जैसे लामा हो गया, याक हो गया, अंगोरा गोट हो गई, ये सब क्या होते हैं, ये वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं जिसके स्किन के ऊपर थिक कोट, मतलब कि मोटा एक कोट होता है, कवर होता है हेयर्स का, जो उसकी कंप्लीट बॉडी को कवर करता है। एयर गेट्स ट्रैप्ड इन द स्पेसेस बिटवीन द वूल फाइबर्स। एयर क्या हो जाती है, इसमें बंद हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, मतलब कि रिलीज नहीं हो पाती है। सिंस एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, मतलब कि अपोजिट होती है, हीट को क्या कर देती है, कम कर देती है। इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप द कीप बॉडी वार्म। तो इसमें क्या होता है, जो वूल होता है वूल एयर को पास नहीं होने देता है, तो जिसके कारण क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो वार्म बनी रहती है, कूल नहीं होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें अगर एयर पास हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हम ठंड के दिनों में इसको वेयर नहीं कर सकते, हमें फिर क्या होगा, ठंड लगेगी क्योंकि एयर पास हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या करते हैं, एयर को पास नहीं होने देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी वार्म बनी रहती है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। रियरिंग का मतलब ये होता है कि जिस शीप से हम वूल ले रहे हैं तो उसकी रियरिंग करनी होती है, उसको पाला जाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये लार्ज स्केल पे ही चीज़ें होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे गोट कल्चर करते हैं, कुछ लोग शीप कल्चर करते हैं, कुछ मिल्क प्रोडक्शन के लिए काउ कल्चर करते हैं या बफेलो कल्चर करते हैं। तो क्यों करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे हम बेनिफिट्स ले सकें। अगर हम मान लीजिए शीप को कल्चर करते हैं, शीप को पालते हैं या उसकी रेयरिंग करते हैं, तो क्या होगा, हमें उससे वूल ले सकते हैं, और ये बार बार में ये प्रोसेस की जा सकती है, क्योंकि उसके हेयर्स जो होते हैं वो तो बार बार आ जाते हैं, तो हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वूल्स ले सकते हैं। तो रियरिंग ऑफ शीप मीन्स टू लुक आफ्टर द शीप बाय गिविंग देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। तो इसमें क्या किया जाता है, रियरिंग ऑफ शीप का मीनिंग ये होता है कि जो शीप होती है उसको फूड देना, उसको शेल्टर देना और उसकी हेल्थ केयर करना, मतलब उसकी हेल्थ का ध्यान रखना, जिसको हम बोलते हैं रियरिंग। ठीक है, इन इंडिया शीप आर मेनली रियर्ड इन द हिली रीजन्स। हमारे यहाँ शीप को सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाला जाता है, जो एक तरह से जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जो हिली एरियाज होते हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा हमारे नॉर्थ साइड पर सबसे ज़्यादा ये होता है, जैसे उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर हमारे नॉर्थ साइड पर है इंडिया के, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है,
अरुणाचल प्रदेश है एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शिप का रियरिंग किया जाता है, शिप को सबसे ज़्यादा पाला जाता है, ताकि क्योंकि इधर ही आपने सुना होगा कश्मीरी कपड़े बने हुए, क्योंकि कश्मीर वगैरह इधर ठंड ज़्यादा पड़ती है और ठंडे प्रदेशों में सबसे ज़्यादा वूलन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इनको यहाँ पर पाला जाता है। अब इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।